अल्टीमेट यूनिवर्स में शांति थी, लेकिन ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि इस यूनिवर्स में मैग्नेटो के साथ कुछ ऐसा हो चुका था कि जिसने उसके अंदर से इंसानियत ही ख़त्म कर दी। मैग्नेटो अब बस बदला चाहता था। वो ह्यूमंस म्यूटेंट्स किसी में कोई फ़र्क ही नहीं कर रहा था। उसे बस चाहिए था तो अर्थ से लाइफ का खात्मा। उसकी वजह से न्यूयॉर्क शहर लगभग पूरा डूब ही चुका था। अमेरिका ही नहीं, यूरोप एशिया में भी यही हाल था। डॉक्टर डूम का लेटवेरिया भी मैग्नेटो के कहर से नहीं बच पाया था। यहाँ तक कि सुपर हीरोज भी इसका शिकार हो चुके थे। कई म्यूटेंट्स और ह्यूमंस मारे जा चुके थे। अब ये तबाही समंदर से शुरू हुई थी तो री रिचर्ड का शक सीधा नेमोर पर गया। पर नेमोर का कहना था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन चार्ल्स जेवियर को ये बात पता थी कि इस तबाही के पीछे मैग्नेटो है। इसीलिए प्रोफेसर ने सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा, क्योंकि उनके हिसाब से मैग्नेटो को हराने के लिए उन सभी को एक साथ आना ही पड़ेगा। तो गाइज, यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब आगे कहानी की शुरुआत स्पाइडरमैन से होती है, जो कि एक कार को उठाकर उसके नीचे दबे आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कार का वजन ज़्यादा होने के कारण स्पाइडरमैन को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। स्पाइडरमैन कहता है, ये सारे कर्म कांड रात को ही क्यों होते हैं? मतलब अगर अभी यहाँ पर दिन होता तो मैं आसानी से इस आदमी की मदद कर पाता। जिस पर वो आदमी कहता है, तुम बस बड़बड़ाओगे या कुछ मदद भी करोगे? जे जोना जेम्सन तुम्हारे बारे में सही ही कहता है, तुम एकदम निखट्टे और नाकारे हो। पर तभी उधर से जायंट मैन वास्को को ढूंढता हुआ निकलता है तो स्पाइडी उसे मदद करने के लिए कहता है, लेकिन जायंट मैन वहां से स्पाइडी को इग्नोर करता हुआ निकल जाता है। ये शहर तो सच में वीरान हो चुका था। शील्ड के लोग भी जो बच गए हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी स्पाइडरमैन की आवाज सुनकर वहां पर हल्क आता है और वो कार को उठाते हुए कहता है, हल्क मकड़े की मदद करेगा, हल्क मकड़े का दोस्त है। तो स्पाइडी हल्क को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहता है। इधर ट्राइस्केलियन पर आयरन मैन कैप्टन को लेकर अंदर पहुंचता है, जिस पर शील्ड के लोग आयरन मैन पर गन पॉइंट करके रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि आयरन मैन ने शील्ड की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। आयरन मैन कहता है, तुम लोग को कांच की पड़ी है, यहाँ पूरे शहर में सब डूब चुका है, कोई भी हॉस्पिटल सही सलामत नहीं रहा, तो बस यही एक जगह है जहाँ हमें कोई इलाज मिल सकता है। तभी वहाँ पर कैरल आकर कहती है, टोनी ये लोग पर गुस्सा ना हो, ये बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो टोनी ने कहा, ये कैप्टन है और इनकी सांसें अब चलना धीमी हो चुकी हैं, इसीलिए इन्हें जल्दी इलाज की ज़रूरत है। तो कैरल वहां पर मेडिकल यूनिट को तुरंत कैप्टन के इलाज के लिए कहती है। टोनी कैरल को बताता है, कैप्टन उसके साथ ही था, अचानक से ये सब हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आया। कैप्टन लगभग डूब ही चुके थे, पर जब मैंने उन्हें वहां से निकाला तो उन्होंने कुछ हीरोज के नाम लिए और फिर वो खामोश हो गए। अवेंजर्स मैंशन भी कबाड़ हो चुका तो वहाँ कोई इलाज मुमकिन नहीं था, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। शील्ड की मेडिकल यूनिट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी ताकि कैप्टन की धड़कनें वापस से लौट सकें। टोनी कहता है, मुझे हॉस्पिटल से नफरत है। कैरल ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अब मैग्नेटो के पीछे जाओगे उससे बदला लेने के लिए। ये सिचुएशन सच में हॉरिबल है, अगर आज यहाँ पर निक फ्यूरी होते तो वो हमारी कुछ मदद तो कर ही पाते। जिस पर टोनी ने कहा, कैरल अपनी ये बकवास बंद करो, क्योंकि जो यहाँ है हमें उस पर ही बात करनी चाहिए। और हाँ, तुम ये शील्ड रखो, ये कैप्टन की है, जब वो सही हो जाए तो उन्हें तुम दे देना। तो कैरल ने कहा, तुम सच में कितने अजीब हो टोनी, यहाँ कैप्टन की जान खतरे में है और तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो। कि तभी टोनी के आर्मर में कोई इमरजेंसी सिग्नल आता है। इधर जायंट मैन पूरे शहर में जेनेट यानी कि वॉस्प को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वॉस्प कहीं पर नहीं मिल रही थी। हॉकाई, जायंट मैन और वॉस्प इस हादसे के वक्त साथ ही थे, तो हॉकाई भी जायंट मैन के साथ हो लिया। हॉकाई कई बार जायंट मैन से बात करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन साइज में बड़ा होने के कारण जायंट मैन हॉकाई की बात को सुन ही नहीं रहा था। तो हॉकाई भी अपने सामने कोई ऑप्शन न देखकर जायंट मैन के ऊपर ही चढ़ने लगता है ताकि वो उसे कुछ बात कर सके। लेकिन तभी जायंट मैन हॉकाई को पकड़कर कहता है, मुझे बस एक वजह दो कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। जिस पर हॉकाई कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जेनेट को ढूंढने में।
जायंट मैन ने कहा, तुम जैसा घमंडी इंसान मेरी मदद क्यों करना चाहेगा? जिस पर हॉकाई ने कहा, सुनो हैंक, तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं चीजों को ढूंढने में माहिर हूँ, तो अगर हम साथ में मिल जाएं, तो जैनट को ढूंढना जल्दी पॉसिबल होगा। और रही बात मेरी तुम्हारी मदद करने को लेकर, तो तुम ये बात जानते ही हो कि कैसा लगता है जब आपका कोई अपना आपसे दूर हो जाता है, इसलिए तुम मेरा भरोसा तो कर ही सकते हो। जिस पर जायंट मैन हॉकाई की बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैक्स्टर बिल्डिंग में द थिंग सू यानी कि इनविजिबल वूमन को लेकर आ चुका था। द थिंग कहता है, रीड ने मुझे तुम्हारी सेफ्टी के लिए रखा था। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि तुम मर गई, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। बस सू, तुम हार मत मानना और जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे जॉनी और पापा के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर हैं, वो सही भी हैं या नहीं। और तो और, मुझे रीड के बारे में भी नहीं पता है कि वो किधर है। लेकिन तभी सू की पावर्स काम करना शुरू कर देती हैं। सू अभी भी कोमा में थी, लेकिन उसकी पावर्स किसी तरह से एक्टिव हो चुकी थीं और वो बिना सू के कंट्रोल के कुछ भी करने लग रही थीं कि तभी एक एनर्जी शील्ड द थिंग को पुश करती है, जिससे द थिंग विंडो से नीचे गिरने लगता है। पर द थिंग कैसे भी करके खुद को गिरने से बचा लेता है। इधर री रिचर्ड नेमोर को अपनी बोट पर बांध कर ला रहा होता है और उसके मन में चार्ल्स जेवियर की बातें चल रही थीं। रीड ये बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि इन सब में डॉक्टर डूम और नेमोर का हाथ नहीं है। उसे अभी भी डॉक्टर डूम और नेमोर पर इस सब तबाही के पीछे होने का अंदेशा था कि तभी रीड की बोट पर एक एनर्जी बीम आकर गिरती है, जिससे रीड की बोट ऊपर उड़ रहे शिप के अंदर जाने लगती है। शिप में पहुंचते ही रीड नेमोर से कहता है, ये जरूर तुम्हारे लोग हैं जो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो उधर से कोई कहता है, नहीं रीड, ये मैं हूँ, डॉक्टर डूम। और नेमोर तुमसे सही कह रहा था, इन सब में नेमोर का कोई हाथ नहीं है, ना ही तुम्हारे न्यूयॉर्क में और ना ही मेरे लटवेरिया में। ये सब मैग्नेटो का किया हुआ है। तो रीड ने कहा, मैं आखिर तुम पर भरोसा ही क्यों करूं, क्योंकि तुम भी मैग्नेटो की ही तरह हो। तो डूम कहता है, अगर यहाँ निक होता तो वो भी मेरी बात पर भरोसा करता। जिस पर रीड कहता है, निक फ्यूरी यहाँ पर नहीं है, वो उस दुनिया में है जहाँ पर स्क्वाड्रन सुप्रीम का राज है और वो उस यूनिवर्स से कभी वापस नहीं आ पाएगा। तो वहीं पर खड़ी प्रिंसेस ऑफ पावर कहती है कि तुम मुझे तो जानते ही होगे, मैं उसी यूनिवर्स से आई हूँ जिस जगह पर निक फ्यूरी है। अब शायद मेरी वो अर्थ नहीं बची होगी, और अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो प्लीज़ तुम मेरी बात सुनो। ये सब मैग्नेटो का ही किया हुआ है, मुझे बस तुम लोगों की मदद करने दो ताकि मैं एटलीस्ट इस दुनिया को तो मरने से बचा सकूं। गाइस, ये शायद इनवर्जन इवेंट के टाइम की स्टोरी है, जब मार्वल यूनिवर्स के सभी मल्टीवर्स एक एक करके कोलैप्स हो रहे थे और ख़त्म हो रहे थे। मैंने उस इवेंट पर दो वीडियो बनाई हैं जो इस वक्त यहाँ पर कार्ड पर शो भी हो रही होंगी। अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसा है जिसने उन्हें नहीं देखा है, तो वो उस पूरे इवेंट को यहाँ से देख सकता है। हालांकि मैं तो चाहता हूं कि इस पूरे इवेंट को कवर करूं, लेकिन ये इतना बड़ा इवेंट है कि इसे इस तरह से टुकड़ों में ही अपलोड किया जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि उस पूरे इवेंट को मैं कवर करूं या रहने दूं। चलिए अब कहानी पर आते हैं। थॉर भी वैल्करी को इधर उधर ढूंढ रहा था। इस अल्टीमेट यूनिवर्स में वैल्करी थॉर की लवर है। वैल्करी को ढूंढते हुए थॉर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आ जाता है, जहाँ पर उसे जमीन पर वैल्करी मरी हुई दिखती है। थॉर वैल्करी को मरा देखकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन थॉर ये बात जानता था कि वैल्करी को वापस कैसे लाना है। थॉर अपनी तलवार को जमीन पर पटक कर वेलहला के दरवाजे खोलकर वहां पहुंच जाता है, जहां पर उसका स्वागत करने के लिए मिस्ट्रेस ऑफ डेथ यानी कि हेला थी। थॉर ने वहां पहुंचकर ही कहा, हेला, ये तुमने क्या किया? पर हेला थॉर को बीच में ही रोकते हुए कहती है, थॉर, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तुम यहाँ अपनी प्यारी वैल्करी को ले जाने के लिए आए हो। थॉर कहता है, मुझे जल्दी से वैल्करी की सोल दे दो, क्योंकि अर्थ पर मुसीबत आ चुकी है, मुझे वहाँ पर भी जाना है। जिस पर हेला कहती है, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम बिना वैल्करी के यहाँ से जा सकते हो, और वैसे भी ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। हेला अपनी डेड आर्मी को थॉर पर अटैक करने के लिए कह देती है और थॉर से कहती है, थॉर, तुम अपने आप को प्रूव करो और फिर तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। थॉर भी अपनी पूरी ताकत से डेड आर्मी से लड़ने लगता है, लेकिन एक डेड मैन थॉर को पीछे से जैसे ही मारने वाला होता है कि तभी कैप्टन की शील्ड सीधा कर उस डेड मैन को लगती है। थॉर कैप्टन को देखकर कहता है,
कैप्टन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जगह तो मरे हुए लोगों के लिए है। तो कैप्टन कहते हैं, मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, पर इसके बारे में हम इन्हें हराने के बाद भी बात कर सकते हैं। लेकिन इधर अर्थ पर हॉकाई को कुछ हलचल नजर आती है, तो वो जायंट मैन से उसे नीचे उतारने के लिए कहता है और खुद उस जगह पर जाकर चेक करने के लिए पहुंच जाता है। और हॉकाई क्या देखता है कि एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर जेनेट की मरी हुई बॉडी को खा रहा था। मॉन्स्टर कहता है, इसका टेस्ट तो चिकन से भी ज्यादा बढ़िया है। इधर जेवियर मेंशन में चार्ल्स किसी से कहता है, जब मेरे सभी एक्समैन लोगों को ढूंढने और घायलों की मदद करने के लिए गए हों और मैं इस जगह पर अकेला हूं, तो तुम्हारा यहां आना लाजमी ही था। मैं तुम्हारे यहां आने के बारे में पहले से ही श्योर था कि तुम यहां पर जरूर आओगे। तो बताओ मैग्नेटो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो मैग्नेटो कहता है, चार्ल्स तुमने मुझे शायद पहली बार मेरे असली नाम से बुलाया है। मैं और तुम एक जैसे ही हैं। जिस पर चार्ल्स कहता है, नहीं, हम एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। मैं किसी भी हालत में लोगों को मारना पसंद नहीं करूंगा। तुमने इतने लोगों को किस लिए मार दिया? उनका तो इन सब में कोई कसूर भी नहीं था। तुमने तो म्यूटेंट्स को भी मार डाला, वो भी किस लिए? क्योंकि तुम्हारी बेटी स्कारलेट विच और बेटा पेट्रो मैक्सिमोफ मार दिए गए। जिस पर मैग्नेटो कहता है, उनकी मौत की वजह से नहीं, लेकिन हाँ, उनकी मौत ने मेरी आंखें जरूर खोल दी हैं। लेकिन चार्ल्स, तुम्हारी आंखों पर अभी भी अच्छाई की पट्टी बंधी हुई है। तुम जरा उस पट्टी को हटाकर क्यों नहीं देखते हो? ये इंसान इस पृथ्वी को एक दिन खोखला कर रख देंगे। यहाँ के इकोलॉजी, यहाँ के जानवर, यहाँ का पर्यावरण, उन सबको ये इंसान बर्बाद कर रख देंगे। इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। इन्होंने कभी भी म्यूटेंट्स को अपना माना ही नहीं। गॉड ने कहा था कि वो इस धरती को 40 दिन और 40 रातों में तबाह कर सकते हैं, पर मैं ऐसा 3 दिन में कर सकता हूँ। जिस पर चार्ल्स कहता है, तुम कोई गॉड नहीं हो, तुम बस एक सनकी तानाशाह की तरह हो जो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनना चाहता और ना ही किसी की समझना चाहता है। तुम एकदम हिटलर की तरह हो। जिस पर मैग्नेटो गुस्सा जाता है और कहता है, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि मैं तुम्हें कुछ समझा सकूं, पर अब और नहीं। और इतना कहकर मैग्नेटो चार्ल्स की गर्दन को मरोड़कर उन्हें वहीं पर मार डालता है। मैग्नेटो कहता है, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत किया करता था, तुमने मुझे संभलना सिखाया, लेकिन यहाँ कोई भी किसी को सही से जीने ही नहीं देता है। तुम और मैं एक चीज में हमेशा ही सिमिलर थे, और वो है अपने अपने विचार। तुमको तुम्हारे थॉट्स पर भरोसा था कि तुम्हारा नजरिया सही है, और मुझे मेरे थॉट्स पर। और मैग्नेटो की इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब देखना ये है कि हमारे हीरोज मैग्नेटो को रोकेंगे कैसे। इसके लिए आप कॉमिक्स कम्युनिटी से जुड़े रहें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी शर्म, लाज और हया के सब्सक्राइब कर लो। इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा है, भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।